नमस्कार किसान भाइयों, आरके बिडस में आपका पुनः एक बार स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख रहे हैं, ये डीपी बॉस का बर्ड है। ये लगभग अभी 500 से 600 ग्राम वेट ले चुका है। यह काफ़ी तेज़ी से काफ़ी अच्छे से वेट गेन कर रहा है। डीपी क्रॉस की बात करें तो इसका बच्चा काफ़ी तेज़ी से वेट गेन करता है। अगर इसके फीड की बात करें तो वर्तमान में इसको कॉकरेल फिनिशर फीड दे रहा हूँ। इसको प्रारंभ में प्री स्टार्टर, फिर इसके बाद स्टार्टर, फिर इसके बाद फिनिशर फीड दे रहा हूँ। बट जब 300 से 400 ग्राम वेट गेन कर गया, उसके बाद मैंने इसको फिनिशर देना चालू कर दिया। स्क्रीन पर आप लाइव देख रहे हैं, बट काफ़ी तंदुरुस्त है, काफ़ी हेल्थी है और काफ़ी अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहा है। 200 बच्चों में दो डिंकर, दो फीडर लगाए हुए हैं ताकि इनको खाने की किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और यह आसानी से अपना फीड खा सकें। अर्थात 100 वाट पर एक डिंकर, एक फीडर लगाया हुआ है। अगर इनकी वैक्सीन की बात करी जाए तो डीपी क्रॉस को 7वें दिन लसोटा वैक्सीन, 14वें दिन गंबोरो वैक्सीन व 21वें दिन इनको रानीखेत के लिए लसोटा वैक्सीन की थी। अब इनके फीड की बात करें, डीपी क्रॉस को कॉकरेल फीड खिला रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया हुआ है। इनके फीड की बात करें, आज इनके डे की बात करें तो डीपी क्रॉस के बट को आज 38वां दिन हो गया है। 38वें दिन इनका वेट 500 से 600 ग्राम ये वेट गेन कर चुके हैं। कितने फीड खा चुके हैं, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कृषक भाइयों। तो फीड की बात करें जाए तो यह 50 केजी के 5 बैग खा चुका है, अर्थात यह 250 केजी फीड अभी खा चुका है। 250 केजी फीड खा के यह 500 से 600 ग्राम वेट ले चुका है। अगर देखा जाए तो अन्य बड़ों की अपेक्षा, अन्य ब्रीड की अपेक्षा यह काफ़ी अच्छे से काफ़ी तेज़ी से वेट गेन कर रहा है। डीपी क्रॉस का वर्ड 60 दिन में लगभग 1 केजी का वेट गेन कर जाता है। यदि आप फीड अच्छी क्वालिटी का देंगे तो वर्ड काफ़ी तेज़ी से गेन करेगा। अगर आप फीड अच्छी क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का देंगे तो वर्ड काफ़ी स्लो ग्रेड करेगा। मैं फीड के साथ इसको सप्लीमेंट ही दे रहा हूँ। शुरू में इसको ऑस्टोवेट प्लस विमरॉल दिया था, बाद में इसको और भी जो दाने मिलाने वाली सप्लीमेंट्री हैं वो दे रहा हूँ, ताकि बट काफ़ी तेज़ी से काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर सके। बट को कैल्शियम मिनरल्स की मात्रा अगर भरपूर मात्रा में मिले तो बट काफ़ी अच्छे से काफ़ी तेज़ी से वेट गेन करता है। आप स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं, यह प्रमाण है कि डीपी क्रॉस का बट का मेंटेनेंस मैंने काफ़ी अच्छे से करके रखा है। इसकी कलगी चोंच देख सकते हैं कि इसकी चोंच की भी कटिंग नहीं करी, इसके बाद भी यह एक दूसरे को टोंच नहीं रहा है। यदि इसको फीड पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, इसको जहाँ पे आप अपने फार्म में रखें इसको अगर जगह स्पेस भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, तब भी यह एक दूसरे की पूंछ लोचने लगता है। इसको फीड अच्छा खिलाएं जिससे कि एक दूसरे की पूंछ न लोचें, जिससे कि बर्ड एक दूसरे को घायल न कर पाएँ। इसीलिए इसको फीड में कैल्शियम मिनरल्स की मात्रा पर्याप्त रहे और इसको जहाँ फार्म में रखे हैं वहाँ पे पर्याप्त जगह दें, ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह आराम से आसानी से घूम सके, जिससे कि बट को किसी प्रकार का तनाव महसूस ना हो सके और बट काफ़ी तेज़ी से गेन करे। नीचे की बात करी जाए तो बिछावन के रूप में मैंने बरूदा बिछाया हुआ है। बरूदे में यह काफ़ी अच्छे से खेलता कूदता है, उसको खरोंचता है, इससे इसकी मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। और बट को अगर जितने अच्छे आप माहौल में रखेंगे, बट उतनी अच्छे से और उतनी तेज़ी से वेट गेन करेगा। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि बट को हमेशा सही वातावरण में रखें। कहने का मतलब यह है, फार्म के अंदर साफ़ सफाई रखें, नीचे जो को बरूदा है हर 2-3-4 दिन के बाद उलटते पलटते रहें, ताकि किसी प्रकार की गंदगी ना रहें। पानी के बर्तन साफ़ करके लगाएं, ताकि हमेशा जो पानी मिले काफ़ी साफ़ मिले, शुद्ध मिले, जिससे कि बट को किसी प्रकार की बीमारी न लगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो आर के बीडर